शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वैसे बड़ी ही शुभ हो तुम हमारे लिए, तुम आई और हमारी ये खुशखबरी साथ लेकर आई। हमने उसे समझा दिया कि तुम्हारे साथ प्यार से रहे, खेले कूदे तुम्हारे साथ, अब आएगा मजा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बस फेफड़ों में धुआं जाने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई थी। तुम्हारी कोई बच्ची होती ना तो बिल्कुल श्रावणी जैसी होती। दादी आप या? बेटा तू यहाँ? पता दादी, आपको पूरे घर में ढूंढ लिए, आप कहीं नहीं मिले, आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये किसका रूम है? हमारे बेटे का। पर आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, आराम करो। और हाँ, हमें क्यों ढूंढ रही थी तू? हमें पता है दादी कि वो आग आपकी वजह से नहीं लगी थी, बल्कि बंटी की वजह से लगी थी। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपको डांट पड़ी, हमें लग रहा था कि हम बीच में आकर उन्हें रोक दे ताकि आपको डांटना पड़े। पता है, जब भी हम तुम्हें देखते हैं ना तो हमें केशव और नेत्रा की बहुत याद आती है। केशव और नेत्रा कौन है? हमारे बेटे और बहू। कुछ वजह से वो लोग हमारे पास नहीं है, हमसे बहुत दूर है। वो आपसे दूर क्यों है और वो यहाँ क्यों नहीं रहते? दादी रो मत, जब तक वो दोनों नहीं आते ना तब तक आप हमें उनकी बेटी समझ लीजिए, ठीक है? ये लो गुड़ खाओ, आपका मन हल्का आ जाएगा और मीठा भी। दादी कितना रो रही है, हम इन्हें चुप कैसे कराएं? चलिए चलिए बस कीजिए, रोना बंद कीजिए। पता है अगर आप ज्यादा रोगे ना तो राम जी आपसे नाराज हो जाएंगे। आप चाहते हो कि राम जी आपसे नाराज हो जाए? नहीं ना। अब चलो, पूरी रात यही बैठे रहेंगे क्या? चलो सोते। हमें कुछ भी करके सबको बताना ही होगा कि आग दादी की वजह से नहीं बल्कि बंटी की वजह से लगी थी। छोड़ूंगा नहीं। मां 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 बचाओ भूत। मां
बचाओ। शांति। कौन हो तुम? हमारे कमरे में क्यों आए हो? वो आग तुम्हारी वजह से लगी थी और इल्जाम दादी पे लग गया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे झूठ बोलने वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमें मत खाना। तो फिर जाओ और जाकर मैं सबसे माफी मांगो और कह कि वो तेरी गलती थी ना कि दादी की। हाँ, हम बताएंगे कि हमारी गलती थी। हम सबको बता देंगे। देख क्या रहे? जाओ। कोई बुरा करता है तो उसको सबक तो सिखाना ही पड़ता है ना। अरे लाइट, वाह वो भूत, वाह बजा भूत, वाह वो। अरे क्या हो गया? हमारे हमारे है? अरे तुमको क्या हो गया है? कपार पे चढ़ी जा रही, हाँ नजर आ रहा है हमको। अरे क्या हो गया बेटा? वो भूत हमारे कमरे में आया था। अरे बिना मेकअप के अपनी मम्मी को देख लिया होगा। क्या हुआ बंटी? कोई भूत नहीं है बंटी। कोई बुरा सपना देखा होगा बेटा। कोई भूत नहीं है बंटी। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बंटी साफ साफ बताओ क्या बात है। वो बाहर घास में आग हमने लगाई थी। का कह रहे हो? वो घास में आग हमने लगाई थी गुड़िया को सबक सिखाने के लिए। अरे वो कुछ भी बोले जा रहा है, वो डरा हुआ है, ऐसे नहीं कर सकता हमारा नहीं बंटी। वो आग हमने ही लगाई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे इतना बड़ा कांड करने की? बेशरम हो गए एकदम। अगर कोई मर मरा जाता, किसी की जान चली जाती, फिर बदमाशी की हद कर दिया है। भैया छोटा बच्चा माफ कर दो ना। तुम ही ना लाड प्यार से बिगाड़ा इसको, चॉकलेट टॉफी खिलाते रहते हो। अरे आप उसे डांट क्यों रहे हैं? हम कह रहे हैं ना उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तरफदारी करने की जरूरत है ना, तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा है, हाथ से बेहाथ होता जा रहा है। बंटी वैसे तो हम तुम्हें माफ कर देते, पर तुम्हारी वजह से दादी कितना रो रही थी, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था ताकि तुम आइंदा फिर ऐसा कभी ना करो। और तुम बेटा ये माँ के पल्लू में छुपे रहोगे ना, फिर भी बच नहीं पाओगे। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें सजा मिलेगी जरूर। इसका खेल खिलौना खत्म सब। एक हफ्ते के लिए कुछ खेलेगा नहीं, और ये चॉकलेट टॉफी खा के जो मुझे दांत सड़ा रहे हो ना, सब बंद। और आज से बेटा बट्टी, अगर तुमने जरा से भी हरकत करने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। बानो बस कर। अम्मा आप तो छुपी रहिए, ये देख लो अपने नौनिहाल का, देख लो हरकत देखो, तुम सब की वजह से बिगड़ा है ये। भैया बा चुप हो जा। चलो अच्छा, बंटी ने सबके सामने अपनी गलती मान ली, सबको पता चल गया कि दादी की कोई भी गलती नहीं थी। कुछ दिख भी नहीं रहा है, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? ये किसका कमरा है? यहाँ तो ताला लगा हुआ है, पता नहीं इस कमरे में कौन रहता है। खाना थे तो भूख लगी है।
आवाज कैसी आ रही है इस कमरे में से? कौन है अंदर? कौन होगा अंदर? ताला भी लगा हुआ है। आपने तो हमें डरा ही दिया था, हमें लगा कुछ सच्ची का भूत आ गया। तुम हवेली की इस तरफ क्या कर रही हो? किससे पूछ कर आई? वो इस कमरे से आवाज आ रही थी और हम जैसे जाने लगे तो हमें एकदम से आवाज आई तो हम डर गए। अगर आपके पास चाबी हो तो इस ताले को खोलकर देखो ना कि अंदर कौन है। तुम बताओगी हमें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपनी हाथों में रहना। और ये हवेली तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है कि टहलती फिरो यहाँ सिवा। और ये जो तुम्हें भूत बन के डराने का बहुत शौक है ना, ऐसा ना हो कि खुद भूत बन के तुम यहाँ पर भटकती फिरो। समझ में आई बात? निकलो यहाँ से। और अगर इस तरफ दिखाई दी ना तो ऐसे ही किसी कमरे में तुम बंद होगी और अंदर से तुम्हारी आवाजें आ रही होगी। निकलो यहां से, निकलो। अरे चचा, इतना प्यार प्यार से काम करोगे ना तो हफ्ता भर में भी डेकोरेशन संपन्न नहीं होगा, समझे आप? नहीं। अरे इतना बड़ा हवेली आगे होकर के बैठो ना चचा। हाँ नहीं तो ये भैया, हेलो, क्या कर रहे हो भाई? बहुत बड़ा दिन है, छोटा छोटा फूल लगा रहे हो है? अरे क्या बात है, बड़ी मेहनत कर रहे हो। हाय गजब दिन ही ऐसा। हाँ नहीं तो तब प्रणाम नहीं किए तुम? काहे नहीं करेंगे तैयारी? आज ही के दिन 10 साल पहले आप हमारी जिंदगी में और हमारे भाग्य खुले थे। यानी कितने व्रतों का फल हैं आप हमारे। अभी तो रोज काला टीका लगवाते हैं आपके हाथों से। अरे क्या बात कर रही हो, भाग तो हमारे खुल गए जब से तुम हमारी पत्नी के रूप में आई हो। दुनियादारी हो चाहे घर बार, बहुत अच्छे से संभाल के रखे हो तुम। सिर्फ संभाला नहीं है, अपने कब्जे में कर रखा है सब कुछ। जब से तुम हमको मिली हो हमारी तो किस्मत है बदल गई। जिया जी। अरे अरे अरे, अरे, अरे नहीं बेटा, मतलब हम कितना खुश है, हम आपको कैसे बताएं सर। दीदी आप दोनों लोगों को शादी के एनिवर्सरी का ढेर सारा, खूब सारा, बहुत सारा शुभकामना। अब हम कहाँ बताएं, हम कितना खुश, हम बता ही नहीं पा रहे। धन्यवाद भैया। अच्छा सुनिए, आप दीदी को सरप्राइज करने वाले हैं ना? ओ ना हो, अरे ओ ना हो, कचहरी के पास वाला जो जमीन है उसी का कागजात है। नहीं दीदी, टीका की क्या जरूरत थी, हमारा तोहफा आप है। दीदी ये तो वाकई में सरप्राइज कर दिए हैं। उका है वो शरद के होने वाले बच्चे का जो FD है ना, उसके कागजात है जो बाबूजी बनाए थे। अरे भूल गई तुम? नहीं, स्वीटी और बंटी के जैसे बनाए रहे ना। हम सोचे कि इतने सालों बाद घर को खुशी मिली है तो क्यों ना इसमें देर ना की जाए। सही बात है, है ना? सब काम में देरी कैसी, सही है ना? हम भी देरी नहीं करते हैं, बहुत सारा काम बाकी है। हम भी ये देख के आते हैं, तुम अपना काम कर लो, देख के आ जाए। हाँ। जाइए। ठीक है, हम जरा देख के आते हैं। बंदरिया, क्या चाहिए? हमारे जूते लेकर आओ। हम क्यों लाए तुम्हारे जूते? तुम हमारी गुड़िया हो ना, हमारे लिए तुम यहाँ पर लाए गई हो। जो हम तुम्हें कहेंगे
हमें मानना पड़ेगा। ठीक है लेकिन हाँ हमें बंदर या मत बोला करो, हमारा नाम श्रवणी है, हमें श्रवणी बुलाया करो। ठीक है। ये तुम्हारे जूते और अब हम जा रहे हैं। रुको, ये जूते हमें अच्छे नहीं लगे, दूसरे लेकर आओ। ये लो, बस अब हम जा रहे हैं। नहीं रुको, ये वाले जूते भी अच्छे नहीं। हमारा मन नहीं जूते पहनने का, हम नहीं पहनेंगे। एक काम करो, तुम हमारा मनोरंजन करो, आ जाओ इधर। हम क्या करें तुम्हारे मनोरंजन के लिए? तुम्हें पता होगा, तुम हमारा मूड ठीक करो, तुम हमारी गुड़िया हो। चलो चलो ठीक है, कुछ सोचते हैं हम। हाँ हंसा रही हो या फिर डरा रही हो? तुम डांस कर रहे हैं? ये तो टीवी पे भी आता है, हम रोज देखते हैं। इससे अच्छा करते हैं, पर मजा नहीं आया, कुछ और करके दिखाओ। हाँ चुटकुला सुनोगे? ठीक है पर अच्छा होना चाहिए। एक हाथी रास्ते से जा रहा था। रुको हाथी रास्ते से जा तो रहा था पर कैसे जा रहा था ये तो बताओ। एक मिनट बताते। एक हाथी रास्ते से जा रहा था तो वहां पर चार चींटियां बातें कर रही थी, तो वहां पर एक चींटी हाथी को बोली कि तुम मेरे साथ पंजा लड़ाओ। तो हाथी ने बोला ठीक है। तब दूसरी चींटी बोली कि हम चार हैं और हाथी तो एक है। अरे सुनो चुटकुला खत्म नहीं हुआ है। हाँ। तो जो तीसरी चींटी थी वो बोली कि हमेशा अकेला ही क्यों रहता है, इसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। तो पहली चींटी ने बोला कि वो कोई दोस्त नहीं है क्योंकि सबको मारता रहता है। कैसा लगा हमारा चुटकुला? बहुत अच्छा था। वैसे हम भी उस हाथी की तरह हैं, हमारा भी कोई दोस्त नहीं बनता क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं। अभी सही वक्त है, अभी पूछ लेते हैं इसे। हम वैसे पूछ रहे थे तुम्हारा घर कितना बड़ा है। वैसे हम पूछ रहे थे तुम्हारे घर में कितने कमरे होंगे? हमारे घर में कितने कमरे? हाँ पूरे के पूरे 8 कमरे हैं। वाह 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 वाह। तो वो जो पीछे वाला कमरा है उसमें कौन रहता है ये तो तुम्हें पता ही होगा ना? नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता, वो कमरे भी हमेशा ताला लगा रहता है और माँ ने वहाँ पर सबके जाने से मना किया। पर हमने तो उस कमरे में किसी को देखा था, पर फिर वहाँ ताला क्यों लगा है? वैसे हम बोर हो रहे हैं तो हम टीवी देखने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। हमें पता है उस कमरे में कोई है, हमने वहाँ किसी की आवाज सुनी थी, हमें लगता है कि वहाँ कोई गलती से बंद हो गया। बीना की औलाद को कुछ मिलेगा तब ना जब औलाद पैदा होगी। इतने साल उस बच्चे को बीना के पेट में आने से रोक के रखा था, अब इस दुनिया में आने से रोकना होगा। इस पूरी संपत्ति के वारिस सिर्फ हमारे बच्चे होंगे और कोई नहीं।
हमारे होते हुए तुझे कभी भी औलाद का सुख नहीं मिल सकता बीना। तुमको हर चीज की जानकारी चाहिए होती है? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। वो बीना आंटी ने हमें भेजा था देखने के लिए दूध गर्म हुआ या नहीं। ये बीना आंटी का दूध है ना? तुम हमसे ज्यादा सवाल जवाब किया मत करो, समझी? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस दूध के असर के बाद ये लड़की इसकी बात पूरे घर में फैला दे। सवाल किया ये तो जवाब भी सुन लो। ताकत की दवाई यही है, इसे पीने से ताकत आती है। अच्छा, तुमको भी देंगे एक दिन ताकि ताकत आए तुम्हारे शरीर में। हाँ हाँ, हम जरूर पिएंगे। और तुमसे कहे थे ना, ये तुम्हारे माँ बाप की हवेली नहीं है कि तुम घूमती फिरो इधर उधर, कमरे में रहो। चल जाए ऐसे। जब से आई है तब से पटर पटर बोलती जा रही है, पता नहीं हम क्यों इसे उठा रहा है। बस एक बार बीना को ये दूध पिला दे फिर सारी टेंशन ही खत्म। इसको ये दूध पिला दे। आपको पता है वो पीछे वाले कमरे में ना हमने किसी की आवाज सुनी थी, उधर कोई रहता है क्या? बीना, मेरी वो जैकेट कहाँ है? क्या है? क्या है ये? जी हम अभी धोके लाते। इसके साथ खुद को भी धो लियो, निकल। जी वो तो धुलने वाले कपड़ों में पड़े हैं। जी हम बस वो अभी धो के लाते हैं और सुखा के भी लाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरी जैकेट पहन लूंगा, तू आराम कर। बच्चे के आने की खुशी में कितना बदल गए हैं ये। जाए यहां से, आराम कर और रुक। दवाई ली तूने? जी। और हाँ, दूध पीना मत भूलना। हम लाए हैं दूध। शरद बाबू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम रखेंगे इनका ख्याल। जी बाबू। इसके बच्चे से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? हमारी देवरानी को आराम करने दो। टहलती फिरती हो यहाँ वहाँ? ठीक है, लेकिन हाँ आप याद से ना ये दूध पी लीजिएगा। और आपको पता है हमारी माँ कहती कि दूध से ताकत आती है, और इसमें तो दवाई भी मिली हुई है। इन्होंने मिलाई है। हो गया, जाओगी? ठीक।
ठीक जा रहे। तुम्हारी बदमाशी तो हम निकालेंगे। तुमने बंटी को इतना डरा दिया कि अब उसे खेलना ही नहीं है। पैसे तो तुमने पूरे लिए, तो कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा ना। दिलीप, आज के बाद ये तुम्हारे साथ काम करेगी। ये इस घर की नई नौकरानी है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।